हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्मोकॉल प्लेट के ऊपर मैं एक सीनरी बनाकर दिखाऊंगा वाटर कलर से। सो देखते हैं कि किस तरीके से सीनरी बनता है। मैं फर्स्ट टाइम इस पे ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये सीनरी है फ्रेंड, इसी को मैं यहाँ पर थर्मोकॉल प्लेट पर अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड ये आर्टिस्टिक वाटर कलर से और कुछ आर्कलिक वाटर कलर से मैं अभी इसको पेंट करूँगा और इसको ड्रॉ भी करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट किया है। सबसे पहले स्काई को पूरा ड्रॉ करूँगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो थोड़ा डार्क है, एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइट ब्लू है एंड फिर वाइट है। तो जो इस आकाश होता है वो इसी तरीके से होता है फ्रेंड। तो आपको भी सबसे पहले डार्क ब्लू लेना है एंड उसके बाद आप थोड़ा सा वाइट लेकर उसको लाइट ब्लू कीजिए एंड नीचे जो है वो आप वाइट कीजिए। सो देखिए मैंने इसी तरीके से किया है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आकाश मैंने बनाया, स्काई मैंने बनाया है, इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है, देखिए फ्रेंड इस तरीके से आप अगर थर्मोकॉल पे आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि थर्मोकॉल पे शायद वाटर कलर से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जब इसको ट्राई किया तो अच्छे तरीके से हो गया। सो मैंने यहाँ इसलिए मैं सोचा कि इस पे एक सीनरी ड्रॉ किया जाए। सो मेरे पास ये थर्मोकॉल का जो प्लेट था वो घर पे था। तो मैंने इस पे ट्राई करने का कोशिश किया और काफ़ी अच्छा बना है फ्रेंड। आप भी ट्राई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से घर में भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। सो आप इस तरीके से बस देखते कि ऑब्ज़र्व करके आप वाटर कलर का यूज़ करके आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बनाने में मेरे को लगभग 4 आवर्स लग गया फ्रेंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक झरना है एंड देख सकते हैं यहाँ पर झरना जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से उसके बगल में जो है वो पत्थर है, जिससे दोनों के बीच में यहाँ जो वाटर है यहाँ से निकल कर आगे की ओर आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर जो मिक्सर है वो कलर का, यहाँ पर ब्राउन है, वाइट है एंड ब्लैक कलर, ये तीनों मैंने कलर का यूज़ किया है यहाँ पर स्टोन्स बनाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके का बना है फ्रेंड। सो अगर आपके पास कलर नहीं है, आपके पास अगर कोई कलर नहीं है जो आपने बाई किया है, तो आप मिक्स करके भी कोई कलर बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप रेड और येलो मिलाकर ऑरेंज बना सकते हैं। तो आप छोटी छोटी बातें हैं कलर मिक्सिंग के लिए ये आप ध्यान रखें, तभी आप कम कलर्स में भी आप अच्छे से अलग अलग कलर्स को भी ड्रॉ कर बना सकते हैं और अलग अलग पेंटिंग्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैंने ब्राउन और ब्लैक का यूज़ किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड जो सनराइज़ हो रहा था यहाँ पर नीचे रेड कलर है। तो मैंने थोड़ा सा, अगर आप जब भी कलर लें तो आप सबसे पहले वाटर का यूज़ ज़्यादा करें। देखिए यहाँ पर वाटर का यूज़ जितना आप करेंगे उतना काफ़ी अच्छा वाटर कलर जो पेंटिंग होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा आपका बनेगा वाटर कलर पेंटिंग्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा फ्रेंड। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप यहाँ तक वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ जो स्टोन है उसके ऊपर जो यहाँ पर ग्रीन ट्री था, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन किया है। इसमें क्या था फ्रेंड कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर चढ़ाया ग्रीन एंड उसके बाद मैंने ब्लैक किया है, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए। एंड इधर भी, इस साइड भी आपको उसी तरीके से अगर करना है, अगर आप बनाते हैं इसको तो देखिए इस तरीके से।
सबसे बड़ा जो बात यहाँ पर है फ्रेंड कि मैं सिर्फ दो ब्रश के यूज़ करके मैंने ये ड्रॉ किया है। सो आप चैलेंज अपने आप से ले सकते हैं कि मैं कम ब्रश यूज़ करके भी अच्छा से अच्छा पेंटिंग्स कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि आपका जो ब्रश होता है, अगर आप आउटडोर पेंटिंग के लिए जाते हैं तो आपके ब्रश अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप एक या दो ब्रश में भी किस तरीके से अच्छे से पेंटिंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी तरीके से अभी अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैं एक ब्रश से किस तरीके से बना सकता हूँ, दो ब्रश से मैं किस तरीके से पेंटिंग्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। सो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रश तो होता है फ्रेंड, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर कम ब्रश है, एक ब्रश या दो ब्रश है, तो आप किस तरीके से उस उतना ही लेवल का पेंटिंग्स ड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं अपने आप में ट्राई करता हूँ, चैलेंज करता हूँ और उसको करके भी दिखाता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने दो ही ब्रश का यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स, ये तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा जो पेड़ है उसको वाइट करना है, क्योंकि जब सनराइज होता है तो जो पेड़ के ऊपर जो शैडो पड़ता है वो वाइट होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो बादल है वो ड्रॉ कर दिया हूँ यहाँ पर, एंड जो ट्री है यहाँ पर काफ़ी अलग अलग शेडेड होता है ट्री, हल्का हल्का येलो होता है, डार्क ग्रीन होता है, तो वो सब भी मैंने यहाँ पर किया है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेफरेंस फ़ोटो ऊपर लगाया है तो आप मिला सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ दिमाग मैंने अपने से भी लगाया है फ्रेंड, सो देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।